Good evening, students. Welcome to another lecture of your physics chapter number 4, motion in a plane. Okay, आज हम जो topic पढ़ेंगे, that is a very important topic in terms of its usage in physics of class 11 as well as class 12. है ना, जैसे कि ऊपर में लिखा है board में resolution of vector. रिजोल्यूशन ऑफ वैक्टर का मतलब क्या है कि वैक्टर को ऐसे दो वैक्टर्स में तोड़ना कि वो दो वैक्टर्स को अगर जोड़ें तो हमको वही ओरिजिनल वैक्टर मिल जाए, है ना. तो अगर मैं इसको इसका डेफिनेशन पढ़ूँ, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वैक्टर इन टू टू और मोर वैक्टर्स इन सच अ वे दैट देयर कम्बाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वैक्टर. सपोज मैं ड्रॉ करता हूँ, एक वेक्टर है ये इस तरीके से, ओके, है ना, ये टेल, ये हेड, ओके. अब इस वेक्टर को मुझे ऐसे तोड़ना है कि मैं किसी और, अगर मेरे को कोई दो और वेक्टर दिए हो या कोई दो और डायरेक्शन दिया हो, है ना. सपोज मुझे इसका डायरेक्शन दिया हो कि भाई इस डायरेक्शन में उसका इफेक्ट निकाल दीजिए और इस डायरेक्शन में उसका इफेक्ट निकाल दीजिए, ओके. तो ये मुझे दो डायरेक्शन मिले हुए हैं इस वेक्टर, सपोज दिस इज अ वेक्टर ए, है ना. इसको मुझे ऐसे दो वेक्टर्स पे तोड़ना है कि उनको अगर मैं जोड़ दूं तो यही मिल जाए. ऐसा तोड़ना क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन आएगा कि क्यों तोड़े भाई, अच्छा जुड़ा हुआ तो दिख रहा है, वाई शुड बी ब्रेक इट डाउन. हम इसको इसलिए तोड़ते हैं कि हमको ये देखना है कि भाई इस वेक्टर, जो ये वेक्टर इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में जो एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर इसका एक सर्टेन मैग्नीट्यूड है जो इस डायरेक्शन में है, तो उसका इस डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है और इस डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है, ये इफेक्ट जानने के लिए आगे हम जब फोर्स और मोमेंटम की बात करेंगे तो उस समय हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इसमें एक एग्जाम्पल देता हूँ क्यों रिजोल्व करना है, है ना. मैं सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई पतंग उड़ा रहे हो आप, है ना, यू आर फ्लाइंग ए काइट, ओके. तो यहाँ पे एक तुम्हारा दोस्त खड़ा है पतंग लेके, ओके. ये पतंग लेके इसकी दूरी आप यहाँ पे खड़े हो, दोरी पकड़ के खड़े हो आप, है ना. तो आप क्या करोगे, इसको उड़ाने के लिए बोलोगे आप उसको, इस अपने दोस्त को बोलोगे उसे ऊपर उछाल, और देन व्हाट यू विल डू इज यू विल पुल द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को पुल करेंगे. पुल करने से क्या होगा, है ना, यहाँ पे एयर ड्रैग है, एयर इस पे, इस पतंग के सरफेस पे फोर्स लगाएगा, और अल्टीमेटली जब जैसे जैसे आप इस रस्सी को खींचेगे, इस धागे को खींचोगे, तो ये पतंग ऊपर जाएगा, है ना. ऐसा सीधे तो नहीं जाएगा क्योंकि धागा छोटा होता जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ओके. तो मुझे ये पता करना है कि भाई मैं इसमें कितना रैपिडली पुल करूँ या कितना फोर्स लगाऊं कि ये पतंग ऊपर जा रहा है. तो सपोज एक पॉइंट पे ये पतंग पहुंच गया, सपोज ये पतंग इस पॉइंट पे पहुंच गया और आप ये रस्सी पकड़े हुए हो, ओके, पतंग पहुंच गया. तो सीधे सीधे अगर मैं बताऊं कि इसका अगर वेक्टर नोटेशन बोलूं तो ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, यहाँ से मैं ये टेल है और ये हेड है, तो खींच रहे हो तो इसमें एक फोर्स लग रहा है, है ना, इसमें एक फोर्स लग रहा है जिसके रिएक्शन के कारण ये पतंग ऊपर जा रही है, ओके. तो ये कितना ऊपर जाएगी, इसको मैं अगर इस वेक्टर से और इस वेक्टर से शो करूं, है ना, एक ऊपर, इसमें दो चीज़ें हो रही हैं, जब धागा खींच रहे हो तो एक तो पतंग ऊपर जा रही है, दूसरी ये जो डिस्टेंस है वो कम होते जा रहा है, पतंग से आपका ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो जैसे जैसे आप खींचोगे और फोर्स लग रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, और ये जो डिस्टेंस है आपका ये कम होते जा रहा है, तो दिस इज रिड्यूसिंग एंड दिस इज इंक्रीजिंग. अगर
अच्छी तेज हवा है तो, हवा नहीं है तो आप कितना भी खींचोगे ये तो नीचे आएगी, है ना। यानी इसमें फोर्स नहीं लगेगा तो ये नीचे आएगी, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा ये ऊपर जाएगी। तब ये रिजोल्यूशन हुआ इसका, इस वेक्टर का रिजोल्यूशन हुआ। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, है ना। एक कोई कार्ट है, कार्ट है, ठीक है, उसके अंदर सामान भरा पड़ा है ना। तो उसमें एक हैंडल लगा हुआ है, ठीक है, एक हैंडल लगा हुआ है, और आप इस कार्ट को खींचते हैं, ओके। तो आप फोर्स कैसा लगा रहे हो? एक एंगल में लगा रहे हो, फोर्स किसी एंगल में लग रहा है। तो उसका जो रिजल्ट होगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी, और उसका एक दूसरा एक होगा कि एक ये कार्ट उठने की कोशिश करेगी, कार्ट ऊपर उठने की कोशिश करेगी और आगे बढ़ेगी, है ना। आप जिस एंगल में इसको पकड़े हो और फोर्स लगा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि ये आगे कितनी बढ़ेगी और उठेगी कितनी, ये कार्ट आगे कितनी बढ़ेगी और उठेगी कितनी। तो ये हम क्या करना पड़ता है इसको, यानी अगर मुझे सिर्फ ये चाहिए तो मुझे ये एंगल कम करना पड़ेगा, या एकदम ज़ीरो कर दूँ तो सारा फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है ना। लेकिन कहीं अगर मैं उसको यहाँ से खींच रहा हूँ ऐसा, तो आगे कम बढ़ेगी उठेगी ज़्यादा। सो दिस इज़ ऑल द एग्जाम्पल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वैक्टर। और कई बार हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे इसको निकालना पड़ता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, है ना। आप एक गाड़ी में जा रहे हो, ये इंक्लाइंड है, यहाँ पे गाड़ी इंक्लाइंड है, ठीक है। तो गाड़ी की पुलिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है ना, पुलिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है, लेकिन इस फोर्स से आपको दो मोशन करने पड़ रहे हैं। एक तो इसके अलोंग जाना है ना, लेकिन इसमें एक वेट भी लग रहा है, कितना लग रहा है, mg, है ना, जो आपको गाड़ी को रोकने की कोशिश करेगा। और एक बिकॉज ऑफ इट्स mg, एक ऐसा एक फोर्स उसको पीछे खींच रहा है और आपकी गाड़ी का इंजन जो है उसको आगे खींच रहा है ना। अब ये देखिए mg जो ये है उसका एक कंपोनेंट इधर जा रहा है और एक कंपोनेंट इधर जा रहा है ना, जो कि एक नॉर्मल रिएक्शन है ना। आगे इसको पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है, इस फोर्स को हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा इन दोनों डायरेक्शन में, ताकि हमको एक्चुअल में पुलिंग फोर्स पता चले। अभी मैं काफ़ी हाई फाई समझा दिया, आगे ये सब चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ क्या जो समझनी पड़ेगी वो है रिजोल्यूशन ऑफ वैक्टर। तो सपोज मैं फिर से वो ड्रॉ करता हूँ, ये एक वेक्टर है ना। इसको मुझे ऐसे दो वेक्टर्स में रिजॉल्व करना है ताकि उन दोनों का एडिशन इसके इफेक्ट के बराबर हो। तो सपोज मैं दो और वेक्टर लेता हूँ, एक वेक्टर मैंने ऐसा ले लिया और एक वेक्टर मैंने ऐसा ले लिया, है ना। तो ये वेक्टर ए है, इसको मुझे इन दोनों के रिस्पेक्ट में रिजॉल्व करना है, यानी इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट कितना है और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है। मैं इसको बोलता हूँ R1 और इसको बोल देता हूँ R2 वेक्टर। ये दो वेक्टर हैं R1 और R2। तो मुझे इसको ऐसा करना है, ऐसा जोड़ना है ना। इसको मैं एक काम करूँगा, इसका एक जो टेल है इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो ये R2 यहाँ रख दिया मैंने, ओके, और इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, ओके। तो मैंने इसको यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, है ना, ठीक है। अब ये ट्रायंगल लॉ से मुझे इसको जोड़ना है, इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है ताकि उसका जो रिजल्टेंट है वो आए। लेकिन ये जब मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ये इसके लेंथ में कुछ कमी पड़ रही है, ये पूरा पूरा जुड़ नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें कोई एक रियल नंबर जोड़ दूँगा। सपोज इसमें मैंने एक रियल नंबर लैम्डा जोड़ दिया, या लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, इस R2 को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, है ना, इसका लैम्डा का मैग्नीट्यूड
बढ़ा दिया तो इस पॉइंट तक पहुंच गया। ओके इससे लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया। ओके और R1 में भी मुझे कुछ जोड़ना पड़ रहा है ना, R1 यहीं यहाँ तक पहुंच रहा है, सपोज R1 यहाँ तक पहुंच रहा है तो मैं इसमें सपोज एक और कुछ रियल नंबर इसमें जोड़ देता हूँ, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया म्यू। ये आपके बुक के हिसाब से ये दिया हुआ है म्यू और लैम्डा, इसने मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा यहाँ पे पहुँच गया है ना। अब ट्रायंगल लॉ से हम ये बोल सकते हैं कि भाई इसको और इसको मैं जोड़ूंगा तो ये मिलेगा, है ना। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू म्यू R1 प्लस लैम्डा R2, है ना। यानी इसको मैंने इन दो वेक्टर में तोड़ दिया, एक क्या है म्यू R1 में तोड़ दिया और दूसरा लैम्डा R2 में तोड़ दिया, तो ये मुझे ये मिल गया वेक्टर ए। ओके या फिर उसको और भी सिंपल तरीके से, क्योंकि इसमें कोई भी एंगल में तोड़ सकते हैं, हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं ऐसे दो वेक्टर्स में तोड़ने की कोशिश करते हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, है ना। तो ये आपके NCERT में ऐसा दिया है, हमको ज़्यादातर कैसा यूज़ करना है वो मैं बताता हूँ। सपोज एक वेक्टर है ये ऐसा, है ना R1, मैं क्या चाहता हूँ इसका मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाए। अच्छा जो जिन वेक्टर्स में इसको तोड़ते हैं उसको कंपोनेंट वेक्टर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कंपोनेंट वेक्टर बोलते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाए और मुझे इसका वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाए, है ना। तो सपोज दिस इज अ वेक्टर ए, इज अ वेक्टर ए, व्हाट आई वांट इज इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। और हम हॉरिजॉन्टल को जनरली क्या बोलते हैं एक्स और वर्टिकल को क्या बोलते हैं वाई। ओके नाउ दिस वेक्टर ए इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, क्या कर रहा है एक एंगल बना रहा है थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ओके, है ना। और ये एक्स और वाई के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। ओके मैं ऐसा एक वेक्टर चाहता हूँ, यानी इसका एक कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में और इसका एक कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन में। इसका एक कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में वो क्या होगा, इससे यहाँ से मैं परपेंडिकुलर इसके एंड से कर देता हूँ, तो ये उसका कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन का, ये भी एक वेक्टर है, यानी इतना है इसका, ये एक्स डायरेक्शन में है और ये है वाई डायरेक्शन में। ओके अब एक चीज़ हम देखेंगे कि इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा, तो ये मैं निकाल सकता हूँ, है ना। इस ट्रायंगल में देखिए, जैसे इसमें नेमिंग कर देता हूँ ओ और इसको मैं बोल देता हूँ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू, है ना। मुझे ये चाहिए, है ना, इस वेक्टर का ये कंपोनेंट चाहिए ए एक्स, है ना। तो मैं अगर इसको बोलूँ ए एक्स निकालना है मुझे, तो क्या करेंगे, मुझे मालूम क्या है, ये ए मालूम है, मुझे ये ए एक्स निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं कॉस थीटा, इसका कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये है बेस, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज, तो ए एक्स अपॉन ए, है ना, या सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ए एक्स अपॉन ए, तो ए एक्स क्या हो गया, इट इज ए कॉस थीटा, यानी मुझे इसका वैल्यू मिल गया, ए एक्स का वैल्यू क्या है ए कॉस थीटा, यानी जो ओरिजिनल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने कॉस थीटा को, तो मुझे ये मिल गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या मिल गया मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। अब इसी ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे दिस पी क्यू इज इक्वल टू ये, मैं इसको एस बोलता हूँ, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम है ना। तो अगर मुझे ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है तो मैं इसकी वैल्यू अगर निकाल लूँ तो मुझे वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा, है ना। तो दिस इज ऑल्सो ए वाई
ओके दिस इज ऑल्सो ए वाई। तो मुझे ए वाई निकालना है इसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू ए वाई निकालना है। तो मैं क्या बोलूँगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए। तो मुझे यहाँ पे ए वाई भी मिल गया, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो मुझे दो ऐसे वेक्टर मिल गए ए एक्स और ए वाई, जो वेक्टर ए को रिजॉल्व करने के बाद मिला है। मैं अगर वेक्टर ए को रिजॉल्व करता हूँ दो कंपोनेंट्स में, तो एक कंपोनेंट होगा उसका ए कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा इसका ए साइन थीटा। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा थीटा यहीं हो, थीटा कहीं पे भी हो सकता है, थीटा इधर भी हो सकता है ना। तो जिस जहाँ कहीं पे भी थीटा हो उसके अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा कॉस थीटा होगा, है ना। जिस जहाँ पे भी थीटा है उसके अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा, यानी थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट कॉस थीटा होगा और थीटा से अलग कंपोनेंट हमेशा साइन थीटा होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये एक फोर्स है, एक फोर्स है F1, ठीक है, उसको मुझे इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के में रिजॉल्व करना है और ये थीटा दिया हुआ है ना, ये थीटा दिया हुआ है ना। तो मुझे अगर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो ये थीटा इससे जुड़ा हुआ है, ये थीटा इससे जुड़ा हुआ है, तो ये होगा F1 cos थीटा और ये क्या होगा, ये होगा F1 sin थीटा, है ना। अभी थीटा जहाँ पे है उसी के डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को हम cos थीटा में लेंगे और उससे जो जुड़ा नहीं है उसको हम sin थीटा लेंगे। और ये किसी भी डायरेक्शन में 90 डिग्री के है ना, जैसे कि यहाँ पे ये कार्टेशियन नहीं है, ये कार्टेशियन फॉर्म में नहीं है, ये हमने इसे घुमा दिया है, इसके अलॉन्ग भी हम रिजोल्व कर सकते हैं। तो कोई भी फोर्स अगर दिया है तो उसको हम किसी भी डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल में को रिजोल्व कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मुझे इसको इस फोर्स को रिजोल्व करना है, है ना, इस फोर्स को रिजोल्व करना है और सपोज बोलते हैं कि भाई ऐसे रिजोल्व करना है, है ना, और हमको ये बोला कि भाई ये थीटा है, है ना। तो ये सपोज ये मान के चलिए कि इसमें ये वेक्टर बी है ना, इट इज मेकिंग एन एंगल विथ दिस डायरेक्शन ऑफ थीटा और इधर इसके और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। मुझे इसके अलोंग ये बी का क्या कंपोनेंट होगा और इसके अलोंग बी का क्या कंपोनेंट होगा, अगेन ये थीटा से जुड़ा हुआ, इस वैक्टर से ये एंगल हमको जुड़ा हुआ है, तो ये होगा बी कॉस थीटा और ये होगा बी साइन थीटा। अब मैं बोले जा रहा हूँ होगा होगा करके, प्रूफ क्या है, प्रूफ तो अभी निकालना पड़ेगा ना, या निकाला है मैंने, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने कैसे प्रूफ किया है ना। सपोज फिर से मैं वही करता हूँ, मैंने ये 90 डिग्री में कुछ कॉम्पोनेंट्स बनाए है ना, इसके अलॉन्ग मुझे किसी एक वेक्टर को, अगर ये वेक्टर यहाँ से पास कर रहा है, सपोज ऐसे पास कर रहा है ना, और इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा हियर, तो और इसको मैं बोलता हूँ ये है सपोज ये दिस इज वेक्टर पी, ओके, तो इसका ये वाले वेक्टर के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट मिलेगा और ये वाले वेक्टर के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट मिलेगा, ये मुझे निकालना है। सपोज इसे मुझे निकालना है, तो अगेन मैं क्या करूँगा, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, नेमिंग कर देते हैं ओ ए बी और इसके परपेंडिकुलर भी एक ड्रॉ कर देते हैं ओ ए बी सी, है ना। अब मुझे ये निकालना है, इसको मैं x ही बोल देता हूँ, ax निकालना है और मुझे ay निकालना है। सपोज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है जो घूम गया है, अब किसी कारण वो घूम गया है ना, तो मुझे ये निकालना है कंपोनेंट
OA और OC है ना। तो मैं क्या करूंगा, फिर इन ट्रायंगल OAB, OAB इन ट्रायंगल OAB ये थीटा है और ये 90 डिग्री है ना। अगर ये थीटा ये 90 डिग्री तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये परपेंडिकुलर है ना। अब अगेन AX निकालना है तो AX अपॉन OB, AX अपॉन OB, अच्छा ये OB को हमने P बोला है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, P है, तो मैं यहाँ पे सीधे P लिख देता हूँ, P इज इक्वल टू यानी AX अपॉन OB या P, AX अपॉन P यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कॉस थीटा। तो अगेन AX इज इक्वल टू P कॉस थीटा यानी इस एंगल के अलोंग जो कंपोनेंट है वो हमेशा कॉस थीटा होगा है ना, P कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, AX इज इक्वल टू P कॉस थीटा। अब मुझे AY निकालना है, AY इज इक्वल टू यानी OC इज इक्वल टू AB, ठीक है, OC इज इक्वल टू AB उसी ट्रायंगल में फिर मैं निकाल देता हूँ, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना, दिस इज परपेंडिकुलर। तो मैं इसको AY अपॉन P इज इक्वल टू साइन थीटा है ना, AY अपॉन P इज इक्वल टू साइन थीटा यानी AY इज इक्वल टू P साइन थीटा। ओके, इसको आप जितने प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आगे जितना भी प्रॉब्लम आएगा उसमें सॉल्यूशन में जैसे ही आपको ये थीटा मिला, आपको कुछ नहीं देखना है, ये थीटा के लॉन्ग है तो इसमें सीधे जो भी वेक्टर है उसमें कॉस थीटा लगा के ये उसका, ये इस डायरेक्शन का कंपोनेंट, इसमें साइन थीटा लगा के इस डायरेक्शन का कंपोनेंट। होप आई एम क्लियर, आई हैव मेड इट वेरी क्लियर, बट ये हमेशा कंफ्यूजिंग होता है, ये मेरे समझाने 100 बार भी समझा दूंगा और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। ओके, तो सपोज इसके और समझाने के लिए क्या करते हैं, प्रॉब्लम देते हैं। ओके, सपोज एक वेक्टर है, मैं कार्टेशियन में ज़्यादा लेता हूँ है ना, कार्टेशियन हम उसको बना लेते हैं कि भाई ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, ठीक, और इसके ओरिजिन में, ओरिजिन से एक वेक्टर गया, एक फोर्स हो गया है सपोज है ना, एक फोर्स गया है कितना, 50 न्यूटन विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ से 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, सपोज मैं बोलता हूँ इसकी मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन फोर्स है एंड इट इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके, तो मुझे बताइए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हम अगेन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको लंबा बताता हूँ, मैंने दोनों एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है ना, ये 45 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी ये ओ ए निकालना है, सपोज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओ ए, इस ट्रायंगल में देखिए है ना, ओ ए, ओ ए इसको मैं बी कर देता हूँ, इसको सी कर देता हूँ, चलिए ओ ए इन ट्रायंगल ओ ए बी है ना, ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, ओ ए क्या है, ये तो हमको निकालना है, ओ बी क्या है, 50 है, ओ बी कितना है, 50 है, तो ओ ए इज इक्वल टू 50 कॉस 45 डिग्री यानी 50 cos 45 क्या होता है, 1/√2, तो आंसर इज 50/√2 और 25/√2।
है ना, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया रूट टू से, उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, रूट टू मल्टीप्लाई होने से क्या बन गया, टू और 50 डिवाइड बाई 225 ऊपर रूट टू। तो दिस इज इसका, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओ ए इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, 50 रूट टू यानी 50 अपॉन रूट टू 25 रूट टू। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है इसका, वर्टिकल कंपोनेंट अगेन ए बी है ना, ए बी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू साइन 45। ए बी कितना होता है, ए बी तो निकालना है, ओ बी कितना है 50 न्यूटन, तो ए बी इज इक्वल टू 50 इंटू साइन 45, साइन 45 भी होता है 1 अपॉन रूट टू, तो ये भी हो गया 25 रूट टू है ना। अब देखेंगे 45 डिग्री में हमेशा दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल होते हैं, 45 डिग्री में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा इक्वल होते हैं। होप यू गॉट दिस विद दिस एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए कि किस टाइम पे कॉस किधर लगाना है, किस टाइम पे साइन किधर लगाना है। ओके तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, अगेन ये है x, ये है y और ये एक वेक्टर है, इट इज एट एन एंगल ऑफ एक काम करता हूँ 60 डिग्री करते हैं, इधर से यहाँ से ये जो है ये 60 डिग्री है। ओके ये 60 डिग्री है और सपोज इसको मैं बोलता हूँ ये 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, वर्टिकल से 60 डिग्री है, इधर से 60 डिग्री है, हाँ अगर मैं डायरेक्ट लगा दूँ तो डायरेक्ट भी नहीं लगा सकता हूँ कि सपोज दिस इज ए एक्स एंड दिस इज ए वाई, तो डायरेक्ट क्या लगाऊंगा, जिधर थीटा है उस डायरेक्शन वाले जो है उसमें कॉस थीटा लगेगा, जिधर थीटा है जिस डायरेक्शन में एंगल हमने स्पेसिफाई किया उस डायरेक्शन में क्या लगेगा, कॉस थीटा लगेगा, और जिधर थीटा का दूसरा वाला है थीटा से दूर वाला जो कॉम्पोनेंट है यहाँ साइन थीटा लगेगा। ठीक है तो मैं अगर इसमें बोलूँ कि ए वाई इज इक्वल टू 100 कॉस 60 और ए एक्स इज इक्वल टू 100 साइन 60। ओके कॉस 60 क्या होता है 1/2 यानी ये हो गया 50 न्यूटन और ये क्या होता है साइन 60 क्या √3/2 यानी हो गया 100 इंटू √3/2 यानी 50 √3 न्यूटन। मैंने आपको डायरेक्ट निकाल दिया लेकिन इसका प्रूफ भी होना चाहिए। ठीक है हम क्या करते हैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये थीटा है 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री। ओके ये 60 डिग्री ये 90 डिग्री यानी ये बेस हो गया, ए वाई इज बेस और ये जो है हाइपोटेन्यूस है, ए वाई अपॉन दिस ओ बी है ना, ए वाई अपॉन ओ बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, ओ बी कितना है 100 है तो ए वाई इज इक्वल टू 100 इंटू कॉस 60, कॉस 60 होता है 1/2, 100 इंटू 1/2 50। देखिए सेम आंसर ए वाई। ओके है ना, अब इसको लेते हैं ए एक्स है ना, ए एक्स मैं इस ट्राइंगल में ए एक्स इज इक्वल टू ये बी सी ओ दिस इज इक्वल टू दिस, उसी ट्राइंगल में फिर हम बात करते हैं तो ए एक्स अपॉन ओ बी इज इक्वल टू है ना दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू साइन 60, तो ए एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू साइन 60, 100 इंटू √3/2 यानी कि
टी रूट थ्री न्यूटन। अगेन सेम आंसर। तो अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके देखते हैं, कोई एक एग्जांपल को हम जल्दी जल्दी करके देखते हैं ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि मैं रिजोल्यूशन करते कैसे हैं। एक ऐसा वेक्टर है और दूसरा ऐसा वेक्टर है, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ अलोंग Q और इसको बोल देता हूँ अलोंग S, ठीक। Q और S के अलोंग में हमको किसी चीज़ को रिजोल्व करना है। इस वेक्टर को एक ऐसा वेक्टर गया है, सपोज दिस इज दैट, ऐसा वेक्टर गया है और ये 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू S, 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू S। और सपोज इसकी मैग्नीट्यूड है, मैं बोलता हूँ सिक्सटी बाय रूट थ्री, है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 60 बाय रूट 3, कुछ भी ले लिया, मीटर पर सेकेंड ले लीजिए, 60 बाय रूट 3 मीटर पर सेकेंड। तो S के अलोंग उसका कंपोनेंट क्या है और Q के अलोंग कंपोनेंट क्या है, ठीक है। आपको कैसे करना है, देखिए एंगल किससे बन रहा है, S से बन रहा है, S से बन रहा है। तो S के अलोंग कौन सा कंपोनेंट जाएगा, उसमें cos थीटा वाला कंपोनेंट जाएगा। S के अलोंग इसकी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, तो है ना। तो अगर मैं बोलूँ ए एस, सपोज कंपोनेंट ए एस इज इक्वल टू, ये अगर वेक्टर ए है तो ए एस इज इक्वल टू ए cos 30। ए कितना है, 60 बाय रूट 3, cos 30 होता है रूट 3 बाय 2, कट गया तो ये बना 30 मीटर पर सेकेंड। ए एस के अलॉन्ग 30 मीटर पर सेकेंड। ए क्यू, ए क्यू के अलॉन्ग क्या हो गया, ए साइन 30। ए कितना है, 60 रूट 3 इंटू साइन 30 होता है 1 बाई 2, टू कैंसल 30, यानी 30 अपॉन रूट 3 या फिर 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, रूट 3 और रूट 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट 3 इंटू रूट 3 या 3, 3 30 डिवाइड बाई 3 10, 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, होप आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी। अब कई बार ये क्वेश्चन आएगा कि हम ये जो कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई इन दोनों को जोड़ दें तो सेम वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, आपको प्रूव करना पड़ेगा, है ना, बिना प्रूव के तो फिजिक्स होता नहीं है। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ओरिजिनल वेक्टर आ जाता है ना। तो सपोज मैंने बोला दिस इज वेक्टर ए, ओके दिस इज वेक्टर ए विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विथ से एक्स एंड 90 माइनस थीटा विथ वाई, है ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ए एक्स होगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ए वाई होगा, है ना। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, मैंने बोला ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये हम बोले कि हम भाई यही निकलता है ए एक्स यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से, ये तो ए कॉस थीटा है और ये क्या हो गया, ए साइन थीटा। ओके ठीक है। अब इस केस में अगर मुझे ए चाहिए, ए मुझे ए चाहिए, है ना। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, ये क्या है ए साइन थीटा, ये क्या है ए कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि भैया ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये आना चाहिए तभी ये प्रूफ होगा,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये आना होगा। ए स्क्वायर को आप छोड़ देते हैं, हम सीधे ए एक्स, ए एक्स कितना है ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ये क्या है ए साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब इन दोनों से मैं ए स्क्वायर को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैंने निकाल लिया ए स्क्वायर, बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब याद करिए आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, है ना। तो ये बन गया वन, तो बच गया क्या ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एल एच एस ए स्क्वायर आर एच एस, प्रूव हो गया भाई कि भैया यही होता है ए एक्स यानी ए कॉस थीटा और ए वाई यानी ए साइन थीटा। अब